अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर 5 का सेकंड पार्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिक लिटरली मीन्स ऑफ मल्टीपल शेप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पॉलीमॉर्फिक मीन हैविंग मल्टीपल बिहेवियर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं और बिहेवियर, तो उसको पॉलीमॉर्फिक कहते हैं। हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। थ्योरी वैसे भी किसी को समझ नहीं आती। तो ये एक एम्प्लॉय के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेकिन आप नोट करो कि इसमें मैंने टीचर का ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका ये शेप मैंने चेंज कर दिया क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए बना था। तो अपेरेंट क्लास रेफरेंस कैन पॉइंट टू द सब क्लास ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ आर रिलेशनशिप। अभी ये जो एम्प्लॉय था ये पेरेंट क्लास था और टीचर सब क्लास था, तो पेरेंट क्लास सब क्लास को रख सकता है, रेफरेंस कर सकता है इस आर का रिलेशनशिप से जो हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया था। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय कैन रेफरेंस पॉइंट टू एम्प्लॉय टीचर और मैनेजर। वही बात है कि एम्प्लॉय टीचर और मैनेजर को रेफरेंस कर सकते हैं क्योंकि वो एम्प्लॉय बेस क्लास है। पॉलीमॉर्फिक मेथड रिजल्ट इन डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग रेफर्ड। पॉलीमॉर्फिक मेथड डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये उसके में जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो हम रखते हैं उस पर ये जो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस हिसाब से वो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऑल्सो नोन लेट बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। इसको लेट टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं पॉलीमॉर्फिक को। तो नीचे देखते हैं, ये एक कोड है जो प्रीवियस हमने देखा था टेस्ट का। तो सिर्फ बाकी एम्प्लॉय और टीचर वही वही है, उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये टेस्ट को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है ये 59 नंबर पे पेज पे। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया या पेस्ट कर दिया टेस्ट डॉट जावा में। अब अभी इसमें देखो कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय के लिए दो वेरिएबल बने, एक रेफरेंस वन के नाम से, एक रेफरेंस टू के। ये कॉमा सेपरेटेड मतलब आप सेम टाइप के जितने भी वेरिएबल हो आप एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हो सेम टाइप के। तो अगर आप नोटिस करो तो रेफरेंस वन में एम्प्लॉय का जा रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन रेफरेंस टू में अब ये टीचर असाइन कर रहा है जिसका शेप चेंज हो गया, और ये बना था एम्प्लॉय के लिए लेकिन इसमें टीचर जा रहा है, तो ये पॉलीमॉर्फिक हो गया। अब ये जिस तरफ ने कहा कि ये इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह बिहेवियर करता है, तो इसका मतलब ये था कि अब ये रेफरेंस वन का डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहा है और ये रेफरेंस टू का डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं। इसमें एम्प्लॉय का डिस्प्ले मेथड है और इसमें टीचर का, तो इसलिए ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी वो सब कुछ वही है, ये रेफरेंस वन का जो टू स्ट्रिंग है और ये रेफरेंस टू का टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हो रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कहा था कि आप सुपर को फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करोगे, लेकिन वो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं पेरेंट क्लास का। बाकी अगर हम मेथड्स को कॉल करना चाहते हैं तो वो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए तो अब ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये बेस क्लास में एम्प्लॉय में भी सेम है और टीचर में भी। तो जब हम टीचर में दोबारा इसको बनाते हैं तो वो इसको ओवरराइड करता है, फिर ये कॉल होता है। तो इसलिए ये फर्स्ट ये जब हम टीचर डॉट स्ट्रिंग लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो वो प्रिंट करेगा एंड टीचर टू स्ट्रिंग में। तो फिर मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय का भी यहाँ पे कॉल हो जाए, वो भी अपना फंक्शनिटी परफॉर्म करे, तो इसलिए हमने लिखा है सुपर डॉट टू स्ट्रिंग। वो पेरेंट का टू स्ट्रिंग भी यहाँ पे कॉल कर दिया और फिर इसको रिटर्न कर दिया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि अब एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल नहीं होगा यहाँ पे, ये हमने ओवरराइड कर दिया। तो एम्प्लॉय की जो बेस क्लास की फंक्शनलिटी थी, अगर आप उसको ऐड करना चाहते तो फिर आप इस तरह करोगे, ठीक है। तो ये था पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं टाइप कास्टिंग।
Typecasting in computer science, type conversion or typecasting refer to changing an entity of one data type into another. Typecasting can be categorized into two types. तो कंप्यूटर साइंस में जब हम टाइप कन्वर्जन करते हैं या टाइप कास्टिंग उसको कहते हैं, जब हम किसी एंटिटी का डेटा टाइप एक से दूसरे टाइप में चेंज करते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, एक अपकास्टिंग कन्वर्टिंग अ स्मॉलर डेटा टाइप इनटू बिगर वन। जब हम स्मॉलर डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अपकास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिटली वी डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल। इम्प्लिसिटी का मतलब ये कि जब इस फॉर एग्जांपल अब ये कंस्ट्रक्टर है, इसको हम कॉल नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद हो जाता है ये वाला, तो इसको इम्प्लिसिट कहते हैं। और ये जो डिस्प्ले मेथड है, हम इसको बुला रहे हैं इसको, तो ये एक्सप्लिसिट है। तो इनमें ये फर्क है, ये देखते हैं। तो एक अरे का कस्टिंग में हमें इम्प्लिसिट नहीं बताने की जरूरत नहीं होती कि ये कर तो खुद करता है, और इसमें इंफॉर्मेशन लॉस भी नहीं होता। तो एग्जांपल में है कि अब एक इंटीजर डेटा टाइप है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप है जो स्मॉल है, और ये एक डबल है जो फ्लोट है, बिग है इंटीजर से। तो हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम यहाँ मेंशन भी नहीं कर रहे हैं। और ये एक क्लास है जो एम्प्लॉय का क्लास है, मतलब बेस क्लास है, और उसको हम टीचर असाइन करें तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये डाउन कास्टिंग है, कन्वर्टिंग अ बिगर डेटा टाइप इनटू स्मॉलर वन। डाउन कास्टिंग में हम बड़े को जब स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ये हम एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं, मतलब हम को जो मतलब हमें मेंशन करना पड़ता है कि इसको ये कर दो। पॉसिबली लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन लॉस करने का होने का चांस होता है, क्योंकि जब हम छोटे डेटा टाइप पे आते तो वो वैल्यू बड़ी होती है, और वो इसको राउंड ऑफ कुछ करके वो वैल्यू कम कर देता है, उसमें सेव कर देता है, तो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। एग्जांपल है, अब एक डबल लिया हुआ है जो फ्लोट है, और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहाँ हमने लिखा है कि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली हमने लिखा है। तो इसी तरह एक एम्प्लॉय का मैं टीचर रख दिया, लेकिन हम इस टीचर को पेयर टीचर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि हम अब डाउन कास्टिंग पे आ रहे हैं। तो ये था कुछ टाइप कास्टिंग, और ये लेक्चर ख़त्म हुआ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, सपोर्ट, अल्लाह हाफिज़।